चलिए, सो बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, सी यू बी कॉम ऑनर्स 2019, तो आज हम लोग 19 का होल्डिंग करने जा रहे हैं। कौन सा बताइए? सी यू बी कॉम ऑनर्स 2019 का होल्डिंग करने जा रहे, पेज नंबर 22 निकल लियो। देखिए लंबा चौड़ा सम्स दिया हुआ है, इसको पढ़ के तो कोई फायदा नहीं, बस है सम्स है तो है, अच्छा बात है, और डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आ जाओ। देखो आज का समय, आप देखो कैसे हम लोग सवाल का लेवल बढ़ा रहे। आप देखिए दवा का डोज का तरह से सवाल का लेवल बढ़ा रहे। पहला दिन देखिए एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन, खाली आपको जोड़ना सिखाए। दूसरा दिन एक तो एडजस्टमेंट, फिर दो एडजस्टमेंट, फिर तीन, आज देखिए कितना एडजस्टमेंट है। देखिए 1 अप्रैल 2014 को, इसी बंद है क्या? देखिए 1 अप्रैल 2017 को पी और एस, प्रॉफिट एंड लॉस एस लिमिटेड का था 77,500, जनरल रिजर्व था 3,000। एच लिमिटेड, ये तो नॉर्मल, आपको पता ही है पहले क्या होता है। एच लिमिटेड रिवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी एस लिमिटेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ शेयर 20,000 मोर देन इट्स बुक वैल्यू। जब वो कंपनी को खरीदा ना, तब वो लोग क्या किया, एसेट का वैल्यू 20,000 ज्यादा शो किया, ओवर वैल्यूएशन किया हुआ है, तो अंडर वैल्यूएशन करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल 24,000 में है, जो कि हम आपको भेजे थे मतलब कि जो आपको हम गुड्स बेचे थे ना, उसमें 24,000 मेरा है, मतलब आपका जो डेटर है ना वो मेरा है, हम ही बेचे थे आपको। इन्वेंट्री एच लिमिटेड का 8,000 हमसे खरीदा था सामान, मतलब ये कॉमन ट्रांजेक्शन हो गया, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। और एच लिमिटेड मेड अ बोनस इशू, बोनस शेयर बेचा था, कहां से बेचा था? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बेचा था 60,000 रुपया का, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज के सम्स में अगर आप देखोगे तो आज आपको बहुत सारा चीज नया सीखने को मिलेगा एडजस्टमेंट के फॉर्मेट में, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो आप देखोगे हर दिन सम्स का लेवल बढ़ाएंगे, अभी लगातार बैक टू बैक होल्डिंग का क्लास होगा। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक दो क्लास बाकी है, वो कराएंगे तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का बैच में बैक टू बैक खाली होल्डिंग का क्लास होगा। होल्डिंग में बहुत सारा सम्स करना होगा, मतलब 15-20 तो सम्स कम से कम प्रैक्टिस करना होगा आपको, बात समझे ना। और जितना पीछे जाएंगे, जैसे जितना बैक ईयर में जाएंगे ना उतना हार्ड सम्स, जितना बैक ईयर में जाइएगा उतना टफ सम्स, बात समझ रहे ना। आ जाओ रेडी गाइस, तो सबसे पहले हम लोग अपना जो फॉर्मेट का स्टाइल है, क्या स्टाइल है बताइए, सबसे पहले लाइन बाय लाइन फॉर्मेट बोलते जाइएगा, सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मेट ही बनाएंगे। कैसा बोलिए क्वेश्चन का, सबसे पहले अपना फॉर्मेट फॉलो करेंगे, कॉपी निकाल लो, बुक का पेज नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सी यू बी कॉम ऑनर्स 2019, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए। आपको हम पहला दिन में क्या बोले थे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्या बोले, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो सम्स हम लोग कर रहे हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, लास्ट क्लास से जो सम्स कर रहे हैं। सबसे पहले बताओ क्या निकालोगे, वर्किंग नोट में डिग्री ऑफ कंट्रोल बोलो, कितना शेयर इन्वेस्ट किया, कितना शेयर लगाए हो, 12 को ऊपर में दिया था 1200 शेयर, देखिए एकदम टॉप में दिया होगा, देखिए देखिए 1200 शेयर है ना जी, और शेयर, और आप खरीदे, टोटल शेयर था कितना उसके पास, 1.5 लाख, 1.5 लाख मतलब 1500 ना, 1500 शेयर उसका है एस का, उसमें हमने कितना इन्वेस्ट किया, 1200 कहाँ से आया, देखा क्वेश्चन पे फोकस करिए, उतारना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन देखिए कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कितना आ जाएगा बताओ, 4/5, 1200-1500 कहाँ से आया समझे। उसके बाद दूसरा माइनॉरिटी शेयर, माइनॉरिटी का शेयर कितना बाबू, 1 - 4/5, 5 - 1 कितना होगा, 1/5, डायरेक्ट 1/5 भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं था, बना लियो क्या, बना लियो तो माथा हिला रहे हो। उसके बाद वाला तो मेन है वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 क्या बोलिए, वर्किंग नोट 3 किस चीज का होता है बोलिए, हाँ यही बेटा झमेला है, ई चार्ट अगर सही बन गया ना बाबू तो सब सही हो जाएगा, होल्डिंग और क्या बाबू माइनॉरिटी, 4/5, 1/5, कोई दिक्कत। नोट नंबर 3, एक बार ऊपर में वर्किंग नोट लिखिएगा, उसके बाद 1, 2, 3 लिखते जाएगा, उतना बार बार वर्किंग नोट लिखने दरकार नहीं है। देखो ना सम्स में आप, ये आप लोग का ग्रेजुएशन का लास्ट पढ़ाई हो सकता है, आप लोग में इसके बाद बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई करे भी ना, बात समझे, तो ये लास्ट महीना आप एज ए स्टूडेंट लाइफ इंजॉय कर लीजिए, नहीं जरूरी नहीं, आपका तो ऐसे भी नहीं होगा, आपका तो सफली है ना, आपका तो नहीं होगा, तो जब तक ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ 25,000 कहाँ से मिलेगा,
देखिए वो मास्टर डिग्री करेगा ना उसका, तो मास्टर मास्टर डिग्री में तो बैक कैंडिडेट को लेता भी नहीं जल्दी वो लोग, जैसे तो आपका बैक कैंडिडेट हो जाओगे ना तब करने के लिए, समझे? नहीं नहीं वो तब तक तो सीट फुल आता है ना, बहुत कम सीट है ना कॉलेज में, नहीं भूल जाइए तब उसको। सबसे पहले क्या लिखोगे? कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या बताइए? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो कितना बताइए प्री एक्विजिशन रिजर्व कितना है? रिजर्व कितना है बोलो, पीएल कितना है बोलो? 77,500। देखिए पी, अच्छा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पीएल, पीएल कितना बाबू बताइए? 77,500। लेकिन सुनिए ना, 77,500 में से ही बोला है ना, प्रॉफिट में से हम लोग बोनस शेयर दिए, बोला कि नहीं बोला बोलिए? तो बोनस शेयर कितना है? 60,000। तो कितना बचेगा? 17,500 बांटिए तो 17,500 का 14,000 और कितना? 3,500। और रिजर्व, रिजर्व कितना? 3,000 को बांटिए 2,400 और 600। कोई दिक्कत है बोलो? ये चार्ट मैंने, अगर आप ये चार्ट सही बना लोगे ना एग्जाम में तो आप गेनर हो जाओगे। और अगर आप पांच बुक में देखिएगा, पांच तरह से चार्ट बना हुआ है, फाइनल आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन ये जो टाइप से आपको हम सिखा रहे हैं सबसे इजी वे है। इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको बनाते जाना, इससे क्या होगा गलती आपका बहुत कम होगा। अब उसके बाद बताइए क्या होगा? अच्छा इसके बाद ना बोला ना 20,000 का मशीन को अंडर वैल्यूड था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, शेयर जब खरीदा था ना तो 20,000 रुपया का ज्यादा शो कर दिया था, वैल्यू को क्या शो कर दिया था बताइए? ज्यादा। 20,000 रुपये से एसेट का वैल्यू को क्या शो कर दिया था बाबू? ज्यादा शो कर दिया था। तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ 20,000 से, बात समझे ना? रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना हजार से बताइए? रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 20,000 रुपया मोर देन बुक वैल्यू, 20,000 को बांटिए 16,000 और जल्दी करो यार, हो गया ये। देखिए इसमें नया चीज क्या आ गया, पहला चीज इसमें बोनस शेयर क्यों, मैंने इसके क्वेश्चन में देखिए एडजस्टमेंट में बोला है कि हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से बोनस शेयर दिए। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब क्या ये वाला, और इसीलिए जो बचा उसको बांट दिए। जनरली जब 3,000 ऐसे बांट दिए। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना बताइए? रिवॉल्यूशन प्रॉफिट मतलब कौन सा रिवॉल्यूशन प्रॉफिट? वो जो मशीन का वैल्यू 20,000 ज्यादा शो किया हुआ तो उसे प्रॉफिट के ऊपर भी तो इंपैक्ट है, तो उसको क्या किया 20,000 को बांट दिए 16,000 और 4,000। और ये भी ओपनिंग डेट का है, देखिए क्वेश्चन में बोला ना एट द टाइम ऑफ बाइंग द शेयर्स, इसीलिए ओपनिंग डेट का था। उसके बाद क्या होगा बताओ? ये तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं पोस्ट एक्विजिशन। कैपिटल प्रॉफिट के बाद क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट बोलिए चाहे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलिए, बात बराबर है। रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या क्या होगा बताइए? पीएल एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए तो पीएल कितना है भाई? बैलेंस शीट में पीएल देखिए, हाँ 1,08,000। उसमें से आपका पीएल कितना था? प्री वाला प्रॉफिट कितना था? कैपिटल प्रॉफिट कितना था बोलो? 77,500। माइनस करिए ये तो ऊपर में, माइनस करके देखिए 30,500। अगर आप पहले क्लास नहीं किए ना तो ये आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए 30,500 बांटिए इसको, 30,500 को बांटिए 24,000 आ उसका 6,100। उसके बाद क्या होगा? हो गया। उसके बाद क्या होगा बताइए? जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व कितना है? 3,00,000 का है जी, 6,000। 6,000 में से लेस करेंगे कैपिटल वाला रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट में कितना बांट दिए बताइए? 3,000 ना, तो अभी बचा कितना? 3,000 को बांटिए, 3,000 को बांटो 2,400 और 600। उसके बाद इसमें और एक तो चीज है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना बताइए उस कंपनी का? 1,50,000, 1,50,000 था। उसमें से होल्डिंग कितना? होल्डिंग कितना शेयर होल्ड कर रहा बताइए? 1,20,000।
20 होल्डिंग का है तो बचा कितना बताइए, सॉरी 30,000 होल्डिंग का। अगर 1,20,000 शेयर है तो आपका शेयर कितना है 30,000। अब अगर आपका शेयर 30,000 तो उसमें बोनस शेयर भी तो दिया है, देखिए बोनस शेयर कितना बोलो, बोनस शेयर कितना बोलो, 60,000 तो टोटल बोनस शेयर है ना, बोनस शेयर टोटल कितना है बताइए, 60,000 है ना जी, तो उसमें आपका शेयर कितना होगा बताइए, 60,000 तो बोनस का वैल्यू दिया हुआ है, तो 60,000 × 10 करिए कितना होगा 6,000, तो 1,50,000 का टोटल वैल्यू था, उसमें से आप कितना किए 1,20,000 का माइनस कर दिए, 1,20,000 क्या चीज़ है बताइए। अच्छा बोनस शेयर भी है ना, बोनस शेयर देखिए बोनस का वैल्यू कितना दिया है, देखिए तो बोनस शेयर कितना रुपया का बोनस शेयर बताइए, तो बोनस का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ गया समझे, एक इफेक्ट तो रिजर्व से माइनस और शेयर कैपिटल में इंक्रीज, तो कितना बताइए 1,50,000 प्लस 60,000 जोड़ के कितना होगा बताइए, 2,10,000। 2,10,000 में माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, 1/5 करिए ना, लेस होल्डिंग का माइनस कर दीजिए 4/5, 2,10,000 में से 4/5 माइनस कर दिए तो माइनॉरिटी आ जाएगा, करिए कितना होगा ना, अच्छा होल्डिंग का करिए ना 4/5 करिए, 1,68,000 होल्डिंग का हिस्सा हो गया बोनस फोनस लेके, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए 42,000 ना, चार्ट को जोड़िए तो बाबू होल्डिंग का शेयर, अच्छा माइनॉरिटी का शेयर कितना हो रहा, जोड़िए माइनॉरिटी का हिस्सा निकालिए ना, 42,000 प्लस 600, 42,000 प्लस 600 प्लस 6,100 प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 3,500 करो नासिरा करो, हिम्मत बंद आ रहा, 56,800 56,800 बोनस का दो इफेक्ट कहाँ कहाँ गया बोलिए, एक बार प्रॉफिट से माइनस और एक बार शेयर में प्लस, एक बार प्रॉफिट से माइनस और एक बार शेयर में क्या हुआ वो प्लस, तो देखो एडजस्टमेंट को देखना है कि एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आ रहा, बाकी सब तो इजी है, और रिवैल्यूशन का इफेक्ट कहाँ हुआ, एक इफेक्ट तो इधर आया और एक इफेक्ट एसिड में लिंग, यहाँ तक हो गया ना। अच्छा उसके बाद ये चार्ट कम रही, यही चार्ट मेन डेंजरस चार्ट था, ये चार्ट बन गया बस आप सम्स बना लोगे, उसके बाद क्या बनाते थे बताइए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल कितना आ रहा है और कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, गुडविल कितना आ रहा है और कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है, तो कैसे निकालते थे बताइए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट किए हो आप 1,80,000, वाह बना लिए हो क्या, इतना अच्छा आंसर दे रहे हो, उसमें से लेस किए क्या होगा बताइए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, पहले तो कैपिटल प्रॉफिट माइनस कर दीजिएगा, कैपिटल प्रॉफिट कितना कितना बाबू देखिए, कैपिटल प्रॉफिट ऊपर में कितना था इसका होल्डिंग का कैपिटल प्रॉफिट, ये तीनों को जोड़िए ना, ये तीनों को जोड़िए, 14,000 2,400 प्लस 16,000 हाँ 2,400 है जी, हाँ कोई बच्चा बोला आप लोग में, बोलिए कितना बोलिए, हाँ ठीक बोल रहे, बोले डर क्यों रहे हो, 32,400 और ये फेस वैल्यू शेयर का बाबू नहीं वो बोनस जोड़ के, अभी तो निकाले थे 1,68,000 बोनस जोड़ के ना, 1,68,000 निकाले थे तो अभी कितना आएगा आंसर बोलिए, अगर माइनस में आ गया तो कैपिटल रिजर्व, माइनस में आ गया तो आंसर क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई दिक्कत है बोलिए, माइनस में आने का मतलब क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व, चार्ट को खाली फॉलो कर दे, चार्ट को किसको बाबू, चार्ट को, उसके बाद वर्किंग नोट, तीन तो हो गया चार्ट तो हो गया, वर्किंग नोट पांच, पांच नंबर वर्किंग नोट अनरियलाइज प्रॉफिट बोल के कुछ दिया है, देखिए बोला है ना इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड, ये तो स्टॉक वैल्यूएशन है, बोला ट्रेड रिसीवेबल 24,000 का था, सामान बेचा है और जिसमें प्रॉफिट हुआ 6,000 का, अच्छा बताइए 24,000 का सामान बेचे हो तो प्रॉफिट हुआ 6,000, इसका मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है बोलिए, 6,000 × 24,000 × 100 मारिए कितना परसेंट आ रहा, बोलो 25%, और आपका जो हम सामान बेचे हैं स्टॉक उसमें कितना है 8,000, तो 8,000 में से 25% 8,000 का 25% मारिए, 8,000 का 25% मारिए, 2,000 हो गया आपका अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, ये बात को ना ध्यान से सुनिए, बोला हम जो सामान आपको बेचते हैं ना, अगर हम आपको 24,000 का बेचते हैं तो उसमें 6,000 का प्रॉफिट होता है, तो 6,000 का 24,000 कितना हो गया 25%, तो आपके पास 8,000 का स्टॉक है जो कि मेरा ही भेजा हुआ है,
तो इसका मतलब ये स्टॉक के ऊपर मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा मतलब कौन सा प्रॉफिट? अनरियलाइज प्रॉफिट। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आ गया बताइए? 2000। कितना आ गया बताओ? 2000 हो गया अनरियलाइज प्रॉफिट। और कुछ है? और कुछ तो नहीं है। एडजस्टमेंट में देखिए, एडजस्टमेंट ले लिए, सब ले लिए, बिजनेस से ले लिए, अब डायरेक्ट कंसोलिडेशन करेंगे, जो होगा कंसोलिडेशन के टाइम में होगा। चलिए इसके बाद क्या बनेगा बाबू? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि ये जैसे कैलकुलेशन है, दोनों को जोड़ देना है। नहीं, इधर आइए, पर्टिकुलर्स इधर क्या बाबू? नोट। इधर क्या बोलिए? रुपीज। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस एज एट। पूरा बढ़िया से एग्जाम में लिखोगे। सबसे लाइन बैलेंस देख देख के बोलिए, बैलेंस शीट में पहला आइटम क्या है? लाइन बैलेंस देखिए। हाँ, एकदम जैसे लिखा होगा क्वेश्चन में उसी फॉर्मेट में बोलते जाइएगा। पहला आइटम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है बाबू इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहला है क्वेश्चन में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। कैमरा में आ रहा देखिए तो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर में शेयर होल्डर फंड। देखिए ये ऐसा चीज़ है ना कि अगर वहाँ बनाना है तो वन शॉट में बनाना होगा। अगर इसको हम तोड़ तोड़ के बनाएंगे ना तो आपको समझने में दिक्कत होगा। देखिए एक बार में बना रहे नॉन स्टॉप। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर भी होगा। देखिए शेयर कैपिटल में जोड़ोगे क्या? शेयर कैपिटल में दोनों को जोड़ दोगे क्या? शेयर कैपिटल में दोनों को जोड़ना नहीं है। शेयर कैपिटल कितना था बताइए? शेयर कैपिटल 5 लाख था और 1 लाख इक्विटी शेयर है। आप 5 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख प्रिफरेंस शेयर, दोनों जोड़ के कितना हो गया? डायरेक्टली इधर 6 लाख। 6 लाख कैसे है समझे? इक्विटी शेयर प्लस प्रिफरेंस शेयर। बुक में क्वेश्चन में देखो, इसलिए आप लोग को स्टार्टिंग से बोलते थे बुक ले लीजिए, बुक ले लीजिए। इसे बड़ा बड़ा सम्स क्वेश्चन देखने में दिक्कत होगा। उसके बाद शेयर कैपिटल के बाद दूसरा क्या बाबू? रिजर्व एंड सरप्लस। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग आस्ते से जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में क्या क्या है देखिए। पहले तो देखो जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, बहुत कुछ है। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना था मेरा? कितना था बोलिए? 3,40,000 है ना। और इसका रेवेन्यू रिजर्व कितना है? रेवेन्यू जो आया था वो वाला बताइए। रेवेन्यू मतलब ये वाला, देखिए रेवेन्यू रिजर्व का मतलब होता है, देखिए ये वाला जो है ना, ये रेवेन्यू रिजर्व हो गया। रेवेन्यू रिजर्व कितना हो गया बताइए? 3,40,000 मेरा था और प्लस कितना था बाबू बताइए? जनरल रिजर्व का हिस्सा हो गया आपका, जो रिजर्व का हिस्सा है, रिजर्व का हिस्सा 3,40,000 हो गया प्लस ये वाला 2,400 रुपये। जोड़िए 2,400 कितना आएगा? रेवेन्यू वाला पार्ट। तीन लाख चालीस प्लस 2,400 जोड़ो कितना आएगा? 3,42,400। नेक्स्ट आइटम पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कितना था पहले देखिए? होल्डिंग का पीएल कितना? 3,60,000। उसमें प्लस होगा रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू वाला प्रॉफिट देखिए 24,400। रेवेन्यू वाला प्रॉफिट कितना बाबू? 24,400। और माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट कितना आया था? अभी आया था ना, वर्किंग नोट निकाले थे 2000। कितना आएगा बोलो? 3,60,000 प्लस 24,400 माइनस 2000 करिए कितना है? सॉरी 3,82,400। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। अब एक और चीज बाकी है ना, क्या बोलिए तो? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आया था? हाँ ठीक है बोलिए, 20,400। देखिए कोई दिक्कत? बहुत बड़ा सम्स है, बॉम्बेस्टिक सम्स। घर में आकर के आपको जो भी सम्स क्लास में होता है घर में आकर एक बार रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद क्या होगा बताइए? नेक्स्ट आइटम जो भी जमीला था ना यहीं तक था, अगर आप यहाँ तक लिख लिए तो समझिए सब कुछ लिख लिए। उसके बाद अगला आइटम है शेयर एप्लीकेशन यानी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था बोलो बाबू? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का टोटल कितना आया था बोलो? माइनॉरिटी इंटरेस्ट 56,000 समथिंग था, 56,800। पहले तो फॉर्मेट एकदम रट लीजिए बढ़िया से, 56,800। उसके बाद क्या बताइए? नॉन करेंट लाइबिलिटीज कितना बोलिए? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है ना कि डिबेंचर है?
6% डिबेंचर, बाबू कितना? मेरा कितना था बोलो? 1 लाख। और उसका? नहीं गलत बोल रहे हो, कुछ था ही नहीं, मेरा कुछ था ही नहीं, जो था उसी का था। देखिए मेरा कुछ था, हाँ आगे पीछे होगा देख लीजिए। तो डायरेक्ट 24,000। उसके बाद चार नंबर आइटम बोलिए, करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, करेंट लायबिलिटीज में एक तो आइटम है ट्रेड, कितना कितना बोलिए? मेरा 1 लाख, अब बाबू का कितना? 44,300। ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल है ना? अच्छा ट्रेड पेबल में क्या क्या है, देखिए मेरा कितना 1 लाख और उसका 44,300, राइट? 1 लाख मेरा, देखिए इंटरेस्टिंग है, 44,300 उसका बाबू का, माइनस एक एडजस्टमेंट था ना कि हम जो सामान बेचे हैं, हम जो ट्रेड, देखो मेरा जो ट्रेड, आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो मेरा ही दिया हुआ है, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल, तो मेरा क्या होगा? ट्रेड पेबल। एक बार डेटर से माइनस होगा, एक बार क्रेडिटर से माइनस होगा, तो कितना रुपया बताइए? 24,000 माइनस करिए कितना आएगा? 1,20,300। उसके बाद और तो कुछ नहीं है शायद एसेट में, कि है इन्वेंट्रीज है ना, लाइब्रेरी में और कुछ है? नहीं है, लाइब्रेरी साइड कंप्लीट हो गया, छोड़ के बोलिए तो कितना आएगा? लाइब्रेरी साइड जोड़िए, 1,20,300, 24,000, 56,800, 6 लाख, 3,42,400, करो इधर से 1,546,300। अब देखते हैं एसेट साइड में, एक बहुत बड़ा चैलेंज, देखो FRFSA में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग ही क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, रेशियो लॉन्ग, होल्डिंग लॉन्ग। आप इधर आ जाइए, खाली पहला एक तो चैप्टर जो ना पढ़े थे वही थोड़ा ईजी था, बाकी सब चैप्टर कॉन्सेप्चुअल। अब देखिए 1,546,300, अब क्या होगा बाबू? एसेट्स, एसेट्स में पहला एसेट क्या बताइए? नॉन करेंट एसेट के अंदर भी कुछ है क्या? देखिए तो नॉन करेंट एसेट के अंदर में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हाँ फिक्स एसेट एक ही चीज होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोलिए चाहे फिक्स एसेट बोलिए, वो एक ही चीज है। उसके अंदर में देखिए, उसके अंदर भी होगा, देखिए टेंजिबल एसेट के अंदर भी होगा बहुत सारा चीज, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा कितना था? 3,56,000, अब बाबू का 70,000, दोनों जोड़ के 3,56,000 मेरा, 70,000 उसका, दोनों जोड़ के बोलिए 4 लाख। क्या चीज? प्लांट से रिलेटेड है ना, कौन सा चीज है? प्लांट से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड तो नहीं, वो तो बाबू प्लांट से रिलेटेड है, देखो रिवॉल्यूशन मतलब प्लांट से रिलेटेड है, देखिए वो बिल्डिंग से रिलेटेड तो नहीं है। अब आइए उसके बताइए अगला चीज क्या है, बताइए प्लांट एंड मशीनरी कितना बताइए? 1,40,000 मेरा और 91,300 उसका और 20,000 जो रिवॉल्यूशन था उसको जोड़ दीजिए, तीनों जोड़ के देखिए कितना हो रहा? 2,51,300। कैसे है बताइए? ये मेरा उसका प्लस 20,000 वो वाला रिवैल्यूड फिगर वाला। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या बताइए, और कुछ है? फर्नीचर भी है, फर्नीचर मेरा कितना? 3,76,000 उसका, दोनों जोड़ के फर्नीचर कितना, दोनों का जोड़ के बोलिए 4,16,000। बार बार बोले 2,51,300 कैसे आए समझे ना, मेरा उसका प्लस 20,000 जो हम लोग ज्यादा सो किए हैं। बोल उसके बाद देखिए, हम वहां पे कर दे क्या? ओके ठीक है, वहां पे शो कर दे, ओके ठीक है। कितना कितना बताइए? मेरा है 1,40,000 प्लस उसका 91,300 प्लस 20,000, रिविजन में सुविधा होगा। उसके बाद अभी खत्म कहाँ हुआ बाबू? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, नहीं। उसमें तो नहीं आता है। उसके बाद करेंट एसेट में क्या क्या? इन्वेंट्रीज मेरा कितना?
मेरा है 136 बाबू का 50,600। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है, देखिए इन्वेंट्रीज में एडजस्टमेंट है, देखिए मेरा है 136 और बाबू का कितना 50,000। दोनों जोड़ के कितना आ रहा बताइए, 1,00,000 1,86,600। ओके अब माइनस 2,000 अनरियलाइज प्रॉफिट, अब करिए 1,84,600। आज आपको हम ज्यादा कुछ नहीं, दो ही चीज़ें ऐसी सिखाया, एक तो बोनस वाला और एक तो वो रिवॉल्यूशन वाला, बस बाकी सब तो पहले भी हम लोग किए। उसके बाद बताइए इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल, फिर यहाँ भी सेम, मेरा कितना बाबू का अब माइनस 24,000 कितना बोलो 2,46,000। और कुछ है कैश, मेरा कितना 12,000 बाबू का 10,000 माइनस, और तो कुछ नहीं, दोनों जोड़ के 22,400। दोनों साइड जोड़िए 4,26,251,315,00,000 कितना 16,00,000 बैठा दे। ओके जोड़िए तीनों, उतारिए बाबू 1,546,300 उतारिए। जिनको दिक्कत हो रहा है हम स्कैनर दे दे रहे, आप स्कैनर से भी उतार सकते हो, जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हो हम वो भी स्कैन शो कर दे रहे, उसके बाद वीडियो बंद कर देंगे, फिर आप लोग आराम से उतारिए। पहले वर्किंग नोट बना लोगे लाइन वाले, देखिए उतार लीजिए ना, क्या स्कैन कर रहे हो, आप लोग के लिए नहीं है, ऑनलाइन में दिक्कत होगा ना इसीलिए, देखिए।